एंड वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में मैच जो कवर करें जो कि TNPL का जो कि फर्स्ट मैच खेला जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट मैच रहेगा तमिलनाडु प्रीमियर लीग का फर्स्ट मैच रहेगा। और इवन अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो अच्छे खासे फिर रैंक आ सकती है ग्रैंड लीग, तो मिस मत करना मैच को, बहुत ही अच्छा हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए। अगर आपको बहुत से मिस्टेक जो करें मेजोरिटी आपको नहीं करना है, बहुत से पहले मैं पहले मिस्टेक्स बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले नीचे छोटा सा लाइक का बटन होगा, जोर से लाइक कर, आप लाइक कर तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जोर से कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ वीडियो में कितना मेहनत लगा, खुद से सुनना ठीक है। पहली बार मैं वीडियो सुनता उसमें माइक ने धोखा दे दिया, माइक काम नहीं किया। दूसरे मैंने वीडियो शूट किया तो उसमें गूगल का कॉल आया थे, मेरा मनी रिफंड हो गया ठीक है, गूगल के साथ लगभग 45 मिनट का मीटिंग हुआ, उसके बाद मेरा मनी जो है वो रिफंड मुझे मिल गया। और जो थर्ड प्रॉब्लम था वो फ्रेंड का कॉल आ गया, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो तीन बार वीडियो शूट किया और तीनों ही बार मैंने वीडियो को कट कर दिया, क्योंकि दोस्तों गूगल के साथ मीटिंग किया तो मुझे याद नहीं था हाँ मैंने वीडियो कहाँ पे स्टॉप किया था, वो भी मैं भूल गया था। तो प्लीज़ नीचे छोटा सा लाइक बटन जोर से लाइक कर दीजिए, छोटा सा लाइक बटन होगा। और मेजोरिटी क्या मिस्टेक करें मैं आपको बताता हूँ, आर केविन को ट्राई करें, बट अगर आप ए आर एफ को ट्राई करते हो तो एक तरफा विन कर सकते हो। और आपको बैटिंग ऑर्डर में आपको बताऊंगा 90% से ज़्यादा चांसेस है, जो भी मैं आपको बैटिंग ऑर्डर दूंगा 90% से ज़्यादा चांसेस वो बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म होगा। और दो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जाऊंगा दो तीन इस वीडियो में, आपको तो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगे वीडियो बनाने में, अराउंड में कितने बजे से 9:35 से वीडियो शूट करने बैठा था, एंड आप खुद से देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं दो टिप्स से प्ले जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ठीक है, बाकी का देखते हैं। अब जो फाइल टीम है वो टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम जो सोचिए आप ग्रैंड लीग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि ऐसे मैचेस पे ग्रैंड लीग अच्छे खासे रैंक आ सकते हैं, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो जिनको फ्री विनिंग टीम चाहिए वो रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते, अब से इस लिंक से आ जाएगा, ये पहला लिंक आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करें, रियल टेलीग्राम जोर से जाइए। फाइल टीम टिप्स अपडेट्स होंगे आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। आप से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप से लिंक पे क्लिक करें, रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 4600 प्लस सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। आप फेक मत ज्वाइन करना, आप रियल ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर। यहाँ पे आपको बताऊंगा डेथ ओवर कौन पाएगा, और हाँ विजय सागर क्या डेथ ओवर पाएगा नहीं पाएगा वो अपडेट वो टेलीग्राम पे कर दूंगा। क्या पता आप डेथ ओवर उनके विजय सागर साथ कैप्टन चले जाओ और वो डेथ ओवर बंदा बॉलिंग ही ना करे या फिर बॉलिंग मिले ही ना, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है, तो ध्यान रखना अपडेट वो टेलीग्राम पे दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च कर ज्वाइन कर सकते हो @FantasyElevenTeamDreamLeague जैसे सर्च के ज्वाइन कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक से आ सकते हो, मेरी बात मानो तो लिंक से आ जाएगा, जहाँ पे 4600 प्लस सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन की जो फाइल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको टूर करा देता हूँ, पहले तो आपको बता देता हूँ जो रियली ज्वाइन कर, जहाँ पे 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए हर पोस्ट पे, ये देख सकते हो 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए हर पोस्ट पे, 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए, तो उसी चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए, तो उसी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ला जहाँ पे 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए। तो सबसे पहले दो टिप्स है प्ले 11 से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं मिनी ग्रैंड लीग का जो ग्रैंड लीग का टीम है आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात करते हैं सीधा सीधा अपने प्लेइंग से, तो एलके की टीम के सबसे पहले प्लेइंग 11 जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहां से टीम का सबसे भरोसेमंद प्लेयर शाहरुख खान टीम के से बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, और इनमें इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं ठीक है, ध्यान सुनना। शाहरुख खान टीम से डेथ ओवर स्पेशल बॉलर था, ओपन करेगा टीम की तरफ से, यहां से ओपन करेगा जेएस एंड्रयू राजू के साथ ओपन, जो कि टीम की तरफ से ओपन करेगा शाहरुख खान के साथ, टीम कैप्टन कर रहा है शाहरुख खान। एंड मैं बता दूं शाहरुख खान के बारे में, 700 रन दूर है मात्र 49 रन बनाने में ठीक है, तो सॉरी 49 रन दूर है, 700 रन दूर है, 49 रन बना रहे, अगर इस पर जगह 49 रन बना देते तो 700 रन का जो टारगेट है वो इनका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगर इस वजह 49 रन बना देते तो ये कंप्लीट हो जाएगा इनका 700 रन। उसके अलावा इनके साथ ओपन ठंडा पाएंगे असमें बेहतर, आपको ठंडा बैटिंग करते रहना चाहिए टीम के से एक अच्छा प्लेयर, उसके बाद निशांत कुमार खेलते जाएगा टीम से फोन बैटिंग करेगा, फिर तब पर टीम के हो सकता है विकेट कीपिंग भी कर, बट विकेट कीपिंग नहीं करना चाहिए। जय सुरेश कुमार टीम से विकेट कीपर, इनके पास दो विकेट कीपर ऑप्शन है, जैसे कि आर केविन है जय सुरेश कुमार दोनों विकेट कीपर से, और हो सकता है इस पर क्या हो सकता है आर केविन ही विकेट कीपिंग करेगा 6 नंबर पे, और यहाँ के 6 नंबर पे फिर से अर्थिक डायमंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, एंड मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा डेथ ओवर कंटिन्यूसली 4 ओवर पाता है और स्टार्टिंग ओवर पाता है, जो ओवर का दूसरा ओवर होता है वो ये पाते हैं। अभिषेक तनवर आपको 8 नंबर बैटिंग करेंगे, ये अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा कृष्णमूर्ति विग्नेश टीम से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट 9 किट में अवेलेबल है, बहुत ही महंगा प्लेयर है ड्रीम पे, बट हाँ एक अच्छा प्लेयर टीम तो से कंसर्ट है और बहुत ही अच्छा प्लेयर। SS DREAM11 एक ठीक ठाक प्लेयर है, आप इन्हें पिक कर सकते हो, टीम में जगह दे सकते हो। एस आनंद कुमार आपको 11 नंबर बैटिंग करते जाएंगे और एक टीम से एक स्पेशल पिक है। बात करते हैं SS DREAM11 के पे, बाकी उससे पहले बता चुका हूँ ओपन करेंगे शाहरुख खान, ओपन करें टीम के तब से ऐसे जैसे राजू के साथ ओपन करेंगे टीम के साथ से, और थर्ड अश्विन खेलते पर नजर आएंगे।
बात करते एस एलेवन के टीम के से, तो इनके टीम की तरफ से ओपन करेंगे अक्षय सेलेवन ओपन करेंगे, ठीक है। एस एस के टीम के साथ ओपन करें अक्षय सेलेवन ओपन करेंगे, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही कम लोग कैप्टन कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, बट वो ग्रैंड लीग की टीम है, वो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना एक अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा टीम के तरफ से के पी गोपीनाथ जो ओपन करेंगे। अब मैं आपको इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने 1000 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये 7 रन दूर है। इन्होंने अपने टी एन पी एल के करियर में, यानी तमिलनाडु प्रीमियर लीग के करियर में, ये सिर्फ 7 रन दूर है 1000 रन कंप्लीट करने में। इन्होंने बना रखे 993 रन बना रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, यो वेबसाइट है, यो क्रिकेट वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनके बारे में फुल डिटेल्स। फिर इसका टीम के कैप्टन डेरी फेलो टीम की कैप्टन का एक अच्छा प्लेयर, बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट दोस्तों ये डेथ ओवर सॉरी बैटिंग करते थर्ड नंबर पर एंड काफ़ी अच्छा प्लेयर, टीम से डेथ सॉरी थर्ड बैटिंग करते और साथ ही कैप्टनसी कर रहे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप समझ सकते हो टीम कैप्टनसी कर रहे हैं तो एक अच्छा प्लेयर है, बहुत कम लोग ट्राई है। एआरएफ टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, फोर नंबर बैटिंग करेंगे और मेजोरिटी के साथ ट्राई करें, जो सिक्स नंबर बैटिंग है उन्हें ट्राई करें, बट उनकी टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग भी है तो उनको आप ट्राई करने का है, एआरएफ को ट्राई करके आप एक तरफा विन कर सकते हो। उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे सुरगेश एम खेलते जगह टीम के साथ फिफ्थ नंबर बैटिंग करेंगे, और उसके अलावा आपको विजय शंकर सिक्स नंबर बैटिंग करते आपको नजर आएंगे, और हो सकता है कितने ओवर पाए ना पाए, हो सकता है मे बी चार ओवर कन्फर्मली पा ले, तो एक अच्छा ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंगली, आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो। मुर्गा नस्वी आपको सेवन नंबर पे, इन्होंने बना रखे, इन्होंने अभी खेल रखे करीब 29 मैचेस खेल रखे टी एन पी एल, एंड उन्होंने रन बना रखे 320 रन बना रखे, आप चाहे तो यो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, यो क्रिकेट वेबसाइट आप सर्च कर लेना, आप जाकर वहाँ पर देख लोगे, या फिर टेलीग्राम पर जुड़े वहाँ पर आपको डेट माउंट टेलीग्राम पे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको खेलते जाएगा एम गणेश मूर्ति जो कि टीम से एक अच्छा प्लेयर है, एक आप पिक कर सकते हैं, सस्ता है, एक ठीक ठाक प्लेयर है, एस बॉल पे एक अच्छा प्लेयर, नाइथ बैटिंग का एक अच्छा प्लेयर, रविकांत आपको खेलेगा 10th नंबर पे एक अच्छा प्लेयर है, आप इन्हें पिक कर सकते हो। उसके अलावा बहुत कम लोग ट्राई करेंगे रेसे प्रेसवायर जो कि टीम का एक अच्छा प्लेयर, डेथ ओवर स्पेशल माना जाता है, बहुत ही थोड़ा सा महंगा ड्रीम पे बट एक अच्छा प्लेयर। तो बात के दोनों टीम्स के आप देख लीजिए, मुझे तो कोई स्टेट्स वगैरह आपको दिखा रहे, मैं आपको जो फैक्ट वगैरह आपको बता चुका हूँ, एंड बात के सीधे टीम से बाकी अपडेट्स का टेलीग्राम जोर से जाएंगे, आप सीधे लिंक पे क्लिक, आप रियल टेलीग्राम जोर से जाएंगे, जब 4600 तो रियल टेलीग्राम जितना हो सके वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो सीधा सीधा हम बात करते हैं अपने टीम से, दोस्तों मैं आपको जो अभी टिप्स दे रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब देखो विकेट कीपर में आपको किसे पिक करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ सर्टिफाइड हो, मैं आपको रिकमेंड जो करता हूँ वो तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी अपना जो ट्राई करना आप कर लीजिएगा। ये आपको तीन विकेट कीपर आपको खेलते जाएंगे, और तीनों में से बता देता हूँ, एआरएफ का बैटिंग सॉरी आर केविन का बैटिंग है सिक्स नंबर, और एआरएफ का बैटिंग है फोर्थ नंबर, और इनका जय सूर्यवास कुमार का बैटिंग है फिफ्थ नंबर। तो आपको किसे पिक करना है, ये फिफ्थ नंबर बैटिंग करेंगे या ये फोर्थ नंबर पे और ये सिक्स नंबर, यानी हम फोर्थ नंबर वाले को लेंगे क्योंकि विकेट कीपिंग करेंगे, हो सकता है जय सूर्य कुमार विकेट कीपिंग ना करे सिर्फ बैटिंग ही करे, तो उस केस में आपको जय सूर्य का बेटर ऑप्शन है, आपके पास दो सबसे बेटर ऑप्शन है एआरएफ एंड आपके पास आर केविन, तो जिस एआरएफ को लेना चाहिए जो फोर्थ नंबर बैटिंग करें, बहुत ही कम लोग ट्राई कर रहे हैं, मेजोरिटी आप सोचेंगे कि हाँ हम सिलेक्शन देखें और पिक करेंगे, दोस्तों ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये आएंगे फोर्थ नंबर पे और ये सिक्स नंबर, खुद से समझ सकते हो किसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और आपको पता है एलके की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उसके में एआरएफ की बैटिंग आनी ही आनी है, तो ध्यान रखना। अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँ एआरएफ को, के गोपीनाथ अपने टीम की तरफ से आपको पता होगा 1000 रन कंप्लीट करने के लिए ये सिर्फ 7 रन दूर है, 993 रन बना चुके थे, एक अच्छा ऑप्शन है। ए श्रीनिवास ओपन करेंगे इनके साथ एक अच्छा प्लेयर, जी साइड आज अपने टीम के साथ ओपन करेंगे, ए देखने का तो ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे, थर्ड पे टर्न बैटिंग करना चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड सबसे पहले तो यहाँ से करूँगा डी फ्रेंड हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग ट्राई से 8% लोग ट्राई कर रहे हो, दूसरे टीम्स कैप्टनसी कर रहा है, आप यकीन नहीं मानो टीम्स कैप्टनसी कर रहा है और साथ साथ थर्ड बैटिंग भी करेगा, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, मैं आपको परफेक्ट करूंगा अगर पिक करो। उसके अलावा ग्रैंड लीग खेलो तो ये ट्राई कर सकते, एक अच्छा प्लेयर है ये, में भी अश्विन अवेन के तो ठंडा बैटिंग करना चाहिए। बात करते हैं तो विजय शंकर को लूंगा अभी के लिए, मैं इनिशिएटिव पिक करना चाहूंगा, अगर देखूंगा कोई केड़ी प्रॉब्लम पड़ेगा तो अगर ये कन्फर्म चार हो पाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड तो कर रहा हूँ, ये कन्फर्म भी बहुत सही चल रहा है तो इन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। शाहरुख खान अपनी टीम से स्पेशल पिक है, एंड आपको पता होगा सिर्फ 49 रन दूर है ये, मतलब अपने करियर में 700 रन कंप्लीट करने, तो ध्यान रखना सिर्फ 49 रन दूर है, और इसमें से 49 बनाते हैं तो ये हो सकते हैं 700 रन का आंकड़ा टच कर जाए। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन एड्री रहमान, मेरे पास किट की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है पड़ेगा, क्योंकि देखो से देखो 34 ही किट बच चुका है, यानी कहीं किट की प्रॉब्लम पड़ेगा। एस मेहता सोच सकते हैं ना खेले क्योंकि प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, तो नहीं खेलते आपको नजर भी आ सकते हैं। एस एलवेट कुमार खेलते नजर आ गए, आप इन्हें पिक कर सकते हो। उसके अलावा नीचे कोई भी अच्छे ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, तो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है स्मॉल लीग में, नहीं ग्रैंड लीग के, और ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो अति रहमान को ट्राई करना एक अच्छा प्लेयर है।
एम अश्विन को लेंगे, मुर्गन अश्विन एक अच्छा प्लेयर है, केविन इग्नेस आपको पहले बोल चुका हूँ एक डेथ ऑफ स्पेशलिस्ट है, आपने जो सर का 9 की में भी अवेलेबल है, आप किड मत देखना प्लेयर देखो वही आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके अलावा अब हमारे पास बताया सिर्फ 16 के जिसमें तो हम बड़ा प्लेयर नहीं ले पाएंगे क्योंकि 8 की का हमें प्लेयर लेना ही पड़ेगा, बाय हमारी मिस्टेक रहेंगे, बाकी का देखते 8 की में कोई है तो हमारे जी एम एन एस एक अच्छा प्लेयर है और ऐसे आयोडे के लिए जा रहा हूँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन एक काम चलाने के लिए पिक कर रहा हूँ सिर्फ टीम क्रिएट करने के लिए इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये मेरी इनिशियल टीम बन चुकी है सेटअप कुछ इस प्रकार की, बाकी फाइनल टीम अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे दूंगा। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना, ध्यान से सुना लॉजिक आपको मैं समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ से क्या लिखा, यहाँ से ओपन करेंगे एक ओपन है तो ओपन करेंगे यहाँ से एस एम के साथ ओपन किए और यहाँ थर्ड नंबर पर एंग फोन यानी टॉप का चार हमने इनके टीम के साथ पिक कर चुके हैं एस एस की, एंड बात की इनकी टीम के तो यहाँ से हमने टॉप के पिक कर चुके हैं बट इनकी टीम की तरफ से हमने सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी पिक कर लिए। खुद से देखो आप खुद से देखो यहाँ से विजय शंकर भी है, मुर्गन अश्विन है, केविन इज डेथ ऑफ स्पेशलिस्ट है, जी मैंने से काम चलाओ प्लेयर मैंने लिया, अगर आप ऐसे साइड पर खेल रहे हो तो जी मैंने इसकी जगह अगर जहाँ पे जैसे फैन टू प्ले पर खेल रहे हो तो वहाँ पर किट की प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो जी मनीष को ड्रॉप करके आप यहाँ से पिक कर सकते हैं अतुल रहमान को, एक अच्छा ऑप्शन है ना, बैटिंग करेगा प्लस में चार ओवर कंफर्म पाता है हर मैच में। अब दोस्तों एक चीज़ और हो सकता है, विजय शंकर का बॉलिंग काट सकते हैं थोड़ा सा ओवर, लेकिन प्रॉब्लम आंसर क्या है कि कंफर्म चार ओवर पाना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम में लिखा हुआ है ठीक है, तो ध्यान रखना अभी के लिए मैं पिक करना चाहूँगा क्योंकि चार ओवर डालेगा बंदा तो उसमें हो सकता है। शाहरुख खान से एक अच्छा ऑप्शन आपको पता होगा, सिर्फ 14 रन्स दूर है रन ये दूर है अगर 700 रन्स कंप्लीट करने में, तो ध्यान रखना टीम के एक स्पेशल पिक है, वही के गवर्नमेंट सिर्फ 7 रन्स दूर है 1000 रन कंप्लीट करने में। और बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो विजय शंकर वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मुर्गन अश्विन के साथ भी जाऊँ अभी के लिए देखता हूँ क्योंकि दोस्तों अभी प्रॉब्लम मेंशन यही किया गया है कि यहाँ से विजय शंकर को पूरे चार ओवर देने चाहिए इस मैच में। तो दोस्तों ये थी मेरी इनिशियल टीम, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ ए आरिफ सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और सॉरी ये उतना बड़ा नहीं है बट हाँ एक अगर एक दो चेंजेस करने से विन कर सकते हो अगर ऐसा कुछ सोचते हो तो ए आरिफ है वो बंदा। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आता है डी फेरी जो बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, आप इनके ऑप्शन पर ट्राई कर सकते हो, आपके पास कीड है तो ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर डी फ्री टीम कैप्टनसी करेगा, मैं आपको स्पेशल पिक बोलूँगा इस मैच में, हो सकता है आपको 30 रन इजीली बना के दे दे, तो ध्यान रखना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी उसके अलावा आप कह सकते हो ग्रैंड लीग टीम में के विंग्स एज कैप्टन वाइस कैप्टन मुर्गन अश्विन सॉरी मुर्गन अश्विन है कैप्टन वाइस कैप्टन के विंग्स, आप ये चीज करके आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी टीम थी, बाकी के गोफिनेट को जो सो ट्राई कर लेना, उसके अलावा डी फेरियो को जो सर टीम कैप्टनसी करेगा एक अच्छा प्लेयर है। तो दोस्तों ये थी मेरी इनिशियल टीम जिस साथ मैं जा सकता हूँ अभी खेलने, एंड अभी सेम टीम के साथ जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर दीजिए, अभी के लिए मेरी इनिशियल टीम सेटअप हो चुकी है, बाकी अपडेट्स के लिए बस टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जो से बहुत ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो बनाने में, शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बार बार वीडियो को कट करके शूट किया, तो प्लीज़ लाइक जोर से कर दिए, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जोर से कर दिए, बाकी अपडेट होगा टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम जो से सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेट करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बस टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, आपको मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको टॉस रिपोर्ट बता दूंगा, पिच रिपोर्ट वगैरह आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और साथ ही डेथ ओवर कौन पाएगा और विजय शंकर कितने नंबर बैटिंग करेगा कितने नंबर पे बॉलिंग करेगा और साथ ही क्या कितने ओवर पाएगा अपडेट वो टेलीग्राम पे करूंगा, क्या पता विजय शंकर के वाइस कैप्टन चल जाए और वो बॉलिंग पाए ही ना, दो ओवर पाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा एक अगर चार ओवर पाएगा तो जबरदस्त ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये मेरी इनिशियल टीम के साथ जा रहा हूँ, बाकी ग्रैंड लीग का मिनी ग्रैंड लीग टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ तो रियल टेलीग्राम जो है जहाँ पे 1000 प्लस व्यूज होने चाहिए और प्लस में 4600 प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्लेयर का डाउट है तो आप जाकर यही क्रिकेट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको फुल स्टेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा क्योंकि दोस्तों बहुत बार बोल चुका हूँ, अराउंड मतलब कि 10 मिनट का वीडियो बनाया तो उसमें गूगल का कॉल आ गया था, उस समय मैं बिजी हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जो मेरे पास इशूस आया था फ्रेंड का कॉल है उसमें से, एंड तीसरा जो इशूस आया था माइक काम नहीं किया और मैं खुद भूल गया कि हमने कहाँ पे माइक स्टॉप किया था, तो उस वजह से मैंने वीडियो को रिकट रीशूट किया एंड उसके बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक जो से कर दीजिएगा, बाकी फाइनल टीम यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा।